तो गांव गांव का सबसे पहले आप सूर्य देख लीजिए, ये देख जी। तो आप ये जो पानी देख रहे हैं ना, ये गांव के दरमियान में से गुजर रहा है, इसमें खाने वाले बर्तन भी और कपड़े भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान से, आपको पता ही आजकल, तो एक गांव में हूँ, मेरा गांव नहीं है, कहीं और गए हुए हैं। तो माशाल्लाह जैसे देसी प्योर किस्म के गांव होते हैं ना, आप देख लें इस टाइप का है। तो मैंने बोला कि चलो गांव का माहौल थोड़ा शेयर करता हूँ, एक ख़ासकर उन मेरे भाइयों के लिए जो प्रदेश में, जैसा कि मैं 10 ईयर्स से ज़्यादा का अर्सा गुजार चुका हूँ, तो ऐसे लंबे अरसे के लिए बैठे होते हैं। तो जाहिर सी बात, अपना वतन तो अपना देश तो होता है। तो इंशाल्लाह आपको लाइव कुछ व्यू दिखा देता हूँ एक गांव के जी। तो गांव की जो मुटियारे होती हैं, अलन मुटियारे, वो तो आपको मैं दिखाने से रहा, वरना इस गांव में रूल बहुत सख्त हैं, किसी को पकड़ लेते हैं ना ऐसे किसी को छेड़ते हुए, उसकी टिंड करके काली करके गधे के ऊपर बैठाते हैं। तो ऐसा काम कोई, सुबह सुबह ठंडी त्रेल के मज़े जी, गांव का छप्पड़ है जी, हर गांव में आपको दिखाई दे जाएगा, यही एक बुरी चीज़ होती है इनमें। हाई स्कूल देख ली, ये बॉयज़ का और साथ में लड़कियों का भी है। तो आज तो छुट्टी है, अब मैं समझ रहा था छुट्टी है, लेकिन बोलते 7 बजे आएंगे। ये भी वैसे मौज वाली गल ही है यार। अच्छा मुझे अभी पता चला है जी, ये गेट आप देख रहे हैं, मैं बिल्डिंग भी आपको दिखाता हूँ, एक खूबसूरत किस्म की सफाई सुथराई देख रही माशाल्लाह, चाहे कच्चा ही माहौल है लेकिन सफाई रखी हुई है। वो ये है जी हमदर्द वेलफेयर मेडिकल सेंटर। तो ये अच्छा, ये छोटा सा हॉस्पिटल है, कुछ 4-5 रूम के अराउंड में यहाँ पर डॉक्टर बैठता है, एक इनका खुद का गाँव वालों का। और उसके अलावा एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है इसकी, वो ये है कि ये बोलते हैं ये गांव वालों ने खुद से अपनी मदद आपके तहत ये बनाया है, कुछ सरकारी इमदाद नहीं आई है इसमें। दूसरी चीज़, आप जानवर देखेंगे इस गांव में, खासकर मैंने देखा है जी, रात को भी बाहर रहते हैं, दिन टाइम तो लोग बाहर ही बांधते हैं छाँव में, रात को भी आपको बाहर ही मिलेंगे। और जो छोटी हैं जी, यानी कि जिसे हम सऊदी में गनम बोलते हैं, बकरी वगैरह, वो यहाँ पर मैंने देखा है आम खुले में घूमती हैं, यानी कि उनको लोग बांध कर नहीं रखते हैं। ये आप देख लेंगे सोलंग जो ईंटों का लगा हुआ है, ईदगाह इस तरफ, जो ईदगाह बनी हुई है ये भी गांव वालों की तरफ से बनी हुई है। आप देख लें तमाम तर जितनी भी माशाल्लाह अंदर से भी सब है, बिल्कुल पक्की है, और साइडों से भी। ये जो सोलंग लगा हुआ है आप देख रहे हैं नीचे, सीधा जा रहा है ईदगाह नमाज जनाजा वाली जगह के ऊपर, तो ये भी गाँव वालों ने खुद से लगाया हुआ है अपने पैसों से। ऊपर स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, ये भी गांव वालों के खुद से, यानी कि अपने पैसे इकट्ठे करके लगवाए हुए हैं। आपको पता है जी, अगर आज से 100 साल पीछे चले जाएं ना, अगर आपने वो शाहरुख खान की फिल्म देखी है स्वदेश, तो उसमें ऐसे मंजर दिखाए जाते हैं। 100 साल पीछे चले जाएं तब ऐसे गाँव वाले करते थे, तो अभी माशाल्लाह आपको पता है जी फिर हुकूमतों का, वज़ीरों का क्या सूरत हाल होती है। तो बहरहाल फिर भी मैं अभी, मुझे बता रहे थे ये, तो मैंने बोला माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है जी। तो ये गांव का कब्रिस्तान है, मैं भी कब्रिस्तान में आया हूँ, तो आप देख लें तमाम बंदों की, भाई तमाम मुसलमानों की आखिरी आरामगाह तो फिर यही होगी। देख लें पाकिस्तान में माशाल्लाह सिंपल सादा कब्रें हैं यार, जो बंदे अक्सर शोर डालते हैं सऊदीया में, देख लें सिंपल कपड़े सिंपल कब्रें हैं, तो पाकिस्तान में लोग ऐसे सिंपल एक नाम लिखा हुआ है बस, और क्या है इसके अलावा। अच्छा गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं यहाँ पर यार, देख लें आप माशाल्लाह। लेकिन कब्रिस्तान से कोई भी चीज़ अब मत तोड़िए, ये ममनू होती है, वरना मैं छोड़ता तो नहीं, जितना मुझे ये पसंद है। देख लें अमरूद हैं जी, देख लें माशाल्लाह, कुछ तोड़ते हैं और खाते हैं। पेंडू माहौल देख लें, कनक माशाल्लाह, गंदम साथ में, इसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सेफ की होती है। अमरूद देख लें, ये देख लें ये वाला, सबसे पहले तो आप ये देख लें, ये जो पड़ी हुई है पॉपकॉर्न बोल रहे हैं आप, छलियाँ, इसके ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं,
लोगों ने छत के ऊपर डाली हुई है, धूप लगे बाद में, और दूर दूर तक देखना आपको कोई ट्रैफिक नहीं दिखाई देगी, कोई रोड नहीं दिखाई देंगे, आप खेत दिखाई देंगे। अभी इस तरफ की बात करें, मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊँगा, आपको पता है जी फिर लोगों के घर भी हैं, तो इस तरफ देख लें गाँव बसा हुआ पूरा। अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा नज़दीक जा कर, ये देख लें मस्जिद का मीनार, और गांव में मुझे नहीं लगा कोई घर इससे ऊपर हो, देख लें आप ये टावर है, टावर मुझे टावर चलो उस जितना मीनार है उतना ही है या मुझे उससे भी नीचे लगता है। तो बाकी माहौल देख लें गाँव का पूरा, इस तरफ चलें तो ये जो आपको दरख्त दिखाई दे रहे काफ़ी घने ये वाले, ये सरकारी स्कूल है बच्चों का, ठीक है। और ये जो आपको दरख्त घने दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले सामने, वो पीछे बड़े बड़े ये वाले, ये गर्ल्स स्कूल है जी लड़कियों का, और मॉर्निंग व्यू में आप सूरज देख लें। तो गांव के माहौल ऐसे होते हैं पाकिस्तान में, और माशाल्लाह आप यकीन करें इतनी मीठी किस्म की नींद आई है ना मुझे कि मैं अभी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन परिंदे इतने शोर डाल रहे थे कि मैं फिर उठा हूँ, मैं जब से उठा हूँ माहौल ही देखे जा रहा हूँ।